वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राव रिहान। मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कितने होते हैं और टेंस कैसे बनाए जाते हैं। शुरू से लेके आखिर तक आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। जो टेंस होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। टेंस हमारे तीन होते हैं, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल वाक्य कहते हैं और पास्ट टेंस को भूतकाल वाक्य कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और मैं आपको बताऊंगा इस एम आर का प्रयोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वह एक छात्र है, ही इज ए स्टूडेंट। वह एक छात्रा है, सी इज ए स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट। आप इसी प्रकार इज़ अमार का प्रयोग कर सकते हैं।